एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज की वीडियो में हम द्वारका सेक्टर 35 जा रहे हैं। हमने सोचा धूप निकल रही है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है। अभी हम फाइनली हम अपनी कार से जाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। हम तो गाड़ी से जाने वाले हैं, तो चलिए आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो आप सब तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेन नोटिफिकेशन। ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब पास फिर भी जीत चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे ना जगह बहुत कम, आगे जाके लगानी पड़ती है गाड़ी, भीड़ रहती है पार्क में। बाकी हम अपना चलते हैं, देखते हैं कहाँ अपना कैंप लगाएंगे।
हमने इसमें एंट्री ले लिया है। बड़ा है पार्क बहुत, आप देख सकते हो। वाफू, कैसा लग रहा है आपको इस पार्क में आके? अच्छा। धूप बहुत तेज है। गाइज यहाँ पे बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। हमारे सामने एक फैमिली आई है, ये रेस कर रहे हैं। गाइज इस पार्क में फ्रेंड्स आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जिम मिल जाएगा आपको। सामने गाइज कुछ यंगस्टर्स, अगर मैं आप सबको बताऊँ गाइज, वहाँ सामने गाइज नेट लगा के वो खेल रहे हैं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स अगर आप द्वारका सेक्टर 13 के नियर बाय रहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइज ये पार्क बहुत अच्छा है। सामने गाइज आपको आइसक्रीम वेंडर्स मिल जाएंगे। एंड गाइज सर्दियों में आइए, यहाँ पे धूप लगाइए आप सब भी। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं थोड़े यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ, आप सबको भी सिनेमैटिक शॉट्स इंजॉय कराता हूँ। मंजिल करीब। ओपी गाइस ये मेरी बारी आ गई, अब देखो वापस पिछाड़िए। गाइस वापिसा के लिए हम एक बैलून ले रहे हैं। कितने का है एक? हाँ जी 10 रुपए का। गाइस हमने जो बैलून लिया था वो हमने वापिसा को ऐसी बैलून दिलाया नहीं है। गाइस हमने बैलून इसलिए लिया, गाइस हमने बैलून इसलिए लिया था ताकि हम भी किसी की मदद कर सके। गाइस हमें गाइस बैलून लेने से मतलब नहीं था, हमने तो उनकी मदद करी है बस। यार इससे तो बदला लेना पड़ेगा वाफिजा से। ओए उड़ गया, अरे उड़ गया, पकड़ो बैलून ने, पकड़ो बैलून ने, पकड़ो, अरे गिर गया बैलून, पकड़ो, पकड़ लिया, उड़ाओ। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, 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 पकड़ो। पकड़ पकड़ पकड़, ऐसे नीचे हाथ लगा। यार तो गाइस हालत खराब हो गई। टांग गाइस ये भागने वाला बैलून है। हाँ
गाइस पार्क बहुत बड़ा है, मस्त, तो एक अनदर लेवल पे है भाई। ओपी बोलूंगा इस पार्क को, तो इट्स एन ओपी पार्क। आप वहां देखिए, अगर आपको दिखाऊं, यंगस्टर्स नेट लगा के खेल रहे हैं, और वहां पे है हमारा इंडियन फ्लैग। वहां तो अलग ही लेवल की लड़ाई है भाई। अच्छा गाइस, एक्सरसाइज होती रहती है हमारी, एंड अभी आप वहां देखिए गाइस, वहां पे टायर चलाया जा रहा है, वो देखिए, जो कि पापा ने कहा कि उन्हें उनका बचपन याद दिलाता है। एक टायर उन्हें बचपन में भी ऐसी चलाते थे, युवा फू चलाते थे। अरे तुमने तो बड़ा चलाया, पापा ने बताया उनकी पुरानी यादें ताजा होती थी, बचपन में भी ऐसी लकड़ी से टायर को मार मार के घुमाते थे। देख तू मारेगी बापू मेरे। गाइस वहां पर लटकने वाला खेल है, खेल नहीं है मतलब, बहुत अच्छा है। ओहो गाइस एक्सरसाइज हो रही है। ओहो ये बात गाइस, इसमें भी एक ट्रिक है, वो देखो बापू। बैलून लेके आपको कैसे लग रहा है? बच्चों को तो अच्छा ही लगता है। चल घर चल। घर नहीं। हेलो, हमारे जाने का भी टाइम हो चुका है। वफू मजा आया? बहुत मजा आया। मैं रस्सी पे भी झूली थी गाइस, अभी आपको पता नहीं है। आपको कुछ नहीं पता? वहाँ पर पेड़ पे रस्सी लटक गई थी और बहुत मजा आया था। सच्ची? हाँ। मुझे भी बहुत मजा आया था। हाँ। अब हम सीधा घर पे जाएंगे और अपना खाएंगे पीएंगे, मजे करेंगे, मौज बनाएंगे, खाएंगे पीएंगे, मौज बनाएंगे। ये जिम है? अरे छोड़ यार, हम अब घर जा रहे हैं। डेडी टाइम कितना हो रहा है मैं बताता हूँ। टाइम हो रहा है 2:00, मतलब 2:47 हो रहे हैं, वही 3:00 हो चुकी है। हमारे जाने का टाइम भी आ चुका है। अब मैं आप सबको बता देता हूँ, इस पाथ से आपको सीधा जाना है और सीधा वहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो जाएगा। अब हमें सीधा कार पार्किंग पे चलते हैं, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है। अच्छी थी जगह, मजा खूब आया। गाइस आप भी, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सब भी द्वारका सेक्टर 13 के नियर बाय रहते हैं तो प्लीज़ इस जगह आइए, ये बहुत अच्छी जगह है एंड फैमिली प्लेस बहुत अच्छी है। वापू आपको मज़ा आया? मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत एक अच्छा लगता है, पूरी ग्रीनरी फैली हुई है, आप देख सकते हो। अब तो यही रुक जा, चलिए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, हमारे घर जाने का वक्त हो चुका है। गाइस बहुत अच्छी जगह थी, आप सब भी आना, कमेंट्स में बताना कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एंड ये था मेरा आज का संडे व्लॉग, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और नई नई वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।